किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के लिए गेहूं की टॉप वैरायटी। यदि आप उत्तर भारत या फिर खासकर उत्तर भारत के प्रमुख राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यदि हम सेंट्रल जोन की बात करें तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ पर यदि आप उत्तर भारत के लिए बेस्ट किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो उत्तर भारत के लिए कौन सी फेमस वैरायटियों को आप लगा सकते हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले पायदान पर हमने DBW 187 गेहूं की वैरायटी को रखा है। जी हां दोस्तों, करण वंदना गेहूं की वैरायटी भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने विकसित की थी। सिंचित इलाकों के लिए यह जो वैरायटी है ना दोस्तों, हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट वैरायटी है करण वंदना। DBW 187 गेहूं की जो वैरायटी है ना, इस वैरायटी को आप 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। यदि आप कहीं ना कहीं 25 नवंबर के बाद बुआई करते हैं तो इसकी जो पैदावार में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, तो इसलिए सही समय पर आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो उत्तम पैदावार मिलने वाली है। प्लांट की जो हाइट है ना वो 98 से 100 सेंटीमीटर तक जाती है। इसके अलावा ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट के प्रति यह वैरायटी सहनशील है। एक एकड़ में आपको 40 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। करण वंदना में लगभग 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1500 से 1700 रुपये के आसपास है। फुटाप क्षमता भी काफ़ी लाजवाब है और 1000 दानों का वजन 40 से 42 ग्राम के आसपास होता है। यदि हम तैयारी की बात करें तो लगभग समय जो अवधि है वो 130 दिन में यह किस्म तैयार हो जाती है, यानी मध्यम अवधि की वैरायटी है। पैदावार की बात करते हैं दोस्तों तो 25 क्विंटल से लेकर के 26 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। यदि वाटर मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छा रखते हैं तो 28-30 क्विंटल भी आप पैदावार निकाल सकते हैं, इसमें कोई दोहराव नहीं है। बाकी ग्राउंड लेवल से 25-26 क्विंटल आप बड़े आराम से इसे गेहूँ की वैरायटी से निकाल सकते हैं। नंबर 2 HD 2967 गेहूँ की वैरायटी। अब यह जो HD 2967 गेहूँ की वैरायटी है ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है और काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। इसका मेन जो कारण है ना, इसकी पैदावार और मध्यम अवधि की यह किस्म भी मानी जाती है। HD 2967 गेहूँ की जो वैरायटी है इसे आप 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। इसका जो दाना है ना मोटा, वजनदार और बढ़िया क्वालिटी वाला होता है और बाली की जो लंबाई है वो 13 से 14 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तैयारी की बात करें तो 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है और पैदावार 25 से 28 क्विंटल तक पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है और ऊंचाई की बात करें तो 101 सेंटीमीटर तक प्लांट की हाइट होती है। तो ध्यान रखिए, यदि गिरने की समस्या कंटिन्यू आपके खेतों में आती है तो एक स्प्रे 55 दिन में लिहोशन का अवश्य करें। 15 लीटर पानी में 15 से 16 ml की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। फुटाप क्षमता अच्छा हमको देखने के लिए मिलता है। खाने और बेचने दोनों पर्पज़ से आप इस वैरायटियों को लगा सकते हैं। यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। तो HD 2967 को यदि आप सही समय पर और अच्छे से दोमट भूमि पर 2967 गेहूं की वैरायटी को लगाते हैं तो पैदावार में बहुत ही आपको लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। नंबर 3 DBW 327 गेहूं की वैरायटी, जिसे करण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी को करनाल यूनिवर्सिटी ने 2021 में विकसित किया था। नई वैरायटी है और जो पौधे की ऊंचाई है ना वो 98 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 1000 दानों का वजन 48 ग्राम के आसपास होता है, यानी एक प्रकार से दाना वजनदार, ठोस, चमकदार होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो तापमान सहन क्षमता काफ़ी अच्छी है और पीला भूरा रतुआ के प्रति यह वैरायटी प्रतिरोधी है। 155 दिन का समय लेती है, यानी लेट लपाट वाला काम चलने वाला नहीं है। यदि आप 327 गेहूं की वैरायटी से एक अच्छी और उत्तम उन्नत अधिकतम पैदावार निकालना चाहते हैं तो 15 से लेकर के 20 नवंबर तक आप बुआई कर दीजिए। ज़्यादा लेट नहीं चलने वाला काम। पैदावार की बात करते हैं तो 30 क्विंटल से लेकर के 34 क्विंटल पैदावार आप अधिकतम पैदावार निकाल सकते हैं और अच्छे खेतों का चुनाव ही आपको करना चाहिए और सिंचाई के साधन अच्छे होने चाहिए। बालियों की लंबाई बढ़िया आती है और खाने में और पैदावार में दोनों डिपार्टमेंट में
327 गेहूं की वैरायटी करण शिवानी काफ़ी शानदार वैरायटी है। यदि आप हल्की भूमि पर भी इस वैरायटी को लगाते हैं तो अभी 22 से 24 क्विंटल 26 क्विंटल तक पैदावार बड़े आराम से यह वैरायटी दे जाएगी। लास्ट ईयर DBW 327 गेहूं की वैरायटी से काफ़ी अच्छे और काफ़ी सुंदर फीडबैक हमको किसानों के द्वारा देखने के लिए मिले थे और काफ़ी किसानों ने DBW 327 की वाहवाही की थी। नंबर 4 श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी। यह गेहूं की वैरायटी भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। पौधे की ऊंचाई 90 से 95 सेंटीमीटर होती है, यानी हाइट मध्यम होती है, गिरने की समस्या नहीं आती है। अंतिम सप्ताह जो अक्टूबर का अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर के अंतिम सप्ताह तक आप बुआई कर सकते हैं, यह एकदम सही समय माना जाता है। 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और यह जो आप फील्ड देख रहे हैं यह है श्रीराम सुपर 303 की फील्ड। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और इसका जो सीड्स है काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। क्या आपके इलाकों पर भी सीड्स महंगा है श्रीराम सुपर का या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यदि हम अभी कीमत की बात करें तो 40 किलोग्राम सीड्स कीमत 3,000 रुपये के आसपास हमको देखने के लिए मिल रही है। यदि पैदावार की बात करें तो 22 क्विंटल से 28 क्विंटल तक 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं और समय अवधि की बात करें तो 130 से 135 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। खासकर दोमट भूमि पर यह वैरायटी काफ़ी अच्छा उत्पादन हमको देती है। इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं और काफ़ी किसान इस वैरायटी को लगाते भी हैं और खूब लाइक भी करते हैं। इसके अलावा DBW 303 करण वैष्णवी गेहूँ की वैरायटी, इस वैरायटी को भी 2021 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया था करण वैष्णवी के नाम से। इस वैरायटी को आप 25 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं, यह इसका बेस्ट टाइम है। तैयारी की बात करें तो करण वैष्णवी गेहूं की वैरायटी 140 दिन के आसपास का समय लग जाता है, यानी लेट काम चलने वाला नहीं है। समय बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। प्लांट हाइट की बात करें तो 95 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक पौधे की हाइट हो जाती है और उत्पादन की बात करें तो 28 से लेकर के 32 क्विंटल तक पैदावार मिलती है। यह वैरायटी खासकर पंजाब हरियाणा पर काफ़ी ज़्यादा कारगर हुई है और काफ़ी अच्छी पैदावार भी पंजाब और हरियाणा के किसान निकाल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों ने भी DBW 303 को लगाया है, क्या फीडबैक मिला आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या आपने DBW 303 गेहूं को लगाया है, कितना उत्पादन निकालने में कामयाब रहे, हमारे किसानों के साथ जानकारी फीडबैक अवश्य साझा कीजिए। 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है और 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से ज़्यादा की बुआई ना करें। यदि आप थोड़ा लेट हो रहे हैं तो फिर आप 50 किलोग्राम तक बुआई कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। DBW 303 गेहूं की जो वैरायटी है खाने में भी बेस्ट है और प्रोडक्शन मामले में भी काफ़ी अच्छी किस्म मानी जाती है, तो DBW 303 को भी आप लगा सकते हैं। अगली जो वैरायटी है HI 8759 पूसा तेजस, मध्य प्रदेश के किसानों की सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट गेहूं की वैरायटी पूसा तेजस ICAR इंदौर के द्वारा वर्ष 2016 में विकसित की थी और आज भी मध्य प्रदेश के किसान खासकर मालवा बेल्ट के जो फार्मर्स हैं इस किस्म को खूब ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका कारण है कि इसकी पैदावार, इसकी हरियाली, फुटाव क्षमता बहुत ही लाजवाब हैं और 8759 उतना अच्छा हमको तोड़ आज तक नहीं मिल पाया है। यदि हम कठिया गेहूं की बात करें तो पूसा तेजस उत्तम उत्पादन, गिरने की समस्या नहीं आती है और बेस्ट परफॉर्मेंस करती है। यदि हम समय अवधि की बात करें तो 130 से 135 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है और पौधे की जो ऊंचाई है ना वो मध्यम होती है, मात्र 82 से 89 सेंटीमीटर, गिरने की समस्या आती नहीं है। बुआई के समय की बात करें तो मध्य नवंबर पूसा तेजस लगाने का, बुआई करने का सबसे बेस्ट समय माना जाता है। 1 एकड़ में 40 से लेकर के 55 किलोग्राम तक सीड्स की बुआई आप कर सकते हैं। पूसा तेजस का जो पौधा है ना वो काफ़ी गहरा ग्रीन हमको देखने के लिए मिलता है जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आप सीड्स की क्वांटिटी बढ़ा करके मत बुआई करें, यदि आप बहुत ज़्यादा पास में बुआई करेंगे तो फिर हो सकता है गिरने की समस्या भी आए और पौधा पतला रह जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा हिसाब से बुआई करिए। सिंचाई की बात करें तो 4 से लेकर के 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है।
पीला और भूरा रतुआ के प्रति यह जो वैरायटी सहनशील वैरायटी है, और हज़ार दानों का जो दोस्तों वजन है वो 50 से 60 ग्राम के आसपास होता है। पैदावार की बात करते हैं तो 28 से लेकर के 30 क्विंटल तक पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। पूसा तेजस को आप खाने के पर्पज़ से नहीं बल्कि उत्पादन प्रोडक्शन के पर्पज़ से आप पूसा तेजस की बुआई करें। WH-1270 गेहूँ की वैरायटी हरियाणा HAU यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा 2019 में उपजाऊ भूमि और भरपूर सिंचित इलाकों के लिए इस वैरायटी को विकसित किया था। यदि आप 1270 गेहूँ की वैरायटी को यदि आप लास्ट ईयर देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब पैदावार देखने के लिए मिली। 34 क्विंटल तक किसान भाई इस वैरायटी से पैदावार निकालने में कामयाब रहे। जी हाँ किसान भाइयों, 34 क्विंटल प्रति एकड़। लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी है, जो आपका बेसल डोज है, उसको डेढ़ गुना इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। यानी लगभग जो भी आप DAP यूज कर रहे हैं तो लगभग आपको 70 किलोग्राम DAP खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और भी जो बेसल डोज है वो डेढ़ गुना ज़्यादा बढ़ा करके आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हीं खेतों का चुनाव करें जो उपजाऊ भूमि हो, सिंचित इलाकों पर, और समय में बुआई करेंगे तो 1270 गेहूँ की आज के समय टॉप क्लास की वैरायटियों में से एक है। सिंचाई की बात करें, पानी की बात करें तो 5 से 6 पानी की आवश्यकता पड़ने वाली है और समय पूरा लेती है। 155 दिन के आसपास का समय चाहिए है, तो लेट बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। इसके अलावा सभी बीमारियों के प्रति यह किस्म सहनशील है। यदि हम पैदावार की बात करें तो 28 से 32 क्विंटल तक पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। इसकी एक बाली में 80 से 85 दानों की संख्या देखने के लिए मिलती है। और यह वैरायटी भी जो आज की नई नई किस्में हैं सिंचित इलाकों की, यदि हम बात करें तो उनको टक्कर देने वाली किस्म में से एक है 1270 गेहूँ की वैरायटी। पंजाब हरियाणा बहुत ही बड़ी मात्रा पर खूब ज़्यादा इस किस्म को लगाया जा रहा है और काफ़ी किसान भाई इस किस्म से संतुष्ट भी हैं। अच्छी भूमि पर ही आप WH-1270 गेहूं की वैरायटी को लगाएं। अंतिम और लास्ट जो वैरायटी है GW-513 गेहूं की वैरायटी मध्य प्रदेश के लिए और मध्य भारत के लिए GW-513 गेहूं की जो वैरायटी है ना, काफ़ी सुंदर और काफ़ी बेस्ट वैरायटी है। GW-513 गेहूं की वैरायटी को गुजरात अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई थी। उत्पादन के मामले में और रोटी के मामले में दोनों डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी है। मुलायम सफ़ेद रोटी आती हैं और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है। प्लांट की हाइट 80 से 90 सेंटीमीटर होती, गिरने की समस्या नहीं है। हज़ार दानों का वजन 48 ग्राम के आसपास, पैदावार 26 से 30 क्विंटल है। इसके अलावा इसका जो दाना है ना, ठोस चमकदार वजनदार होता है और मध्यम अवधि की यह वैरायटी मात्र 115 से 117 दिन में तैयार हो जाती है। और बुआई का जो सही समय है 25 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं, ज़्यादा लेट ना करें। बाकी मध्यम अवधि की फिर भी आप समय में बुआई करें एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। 16 से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको बुआई करनी चाहिए। और GW-322 की ये चेक वैरायटी है, 4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और GW-322 से 13 से 15% अधिकतम पैदावार GW-513 गेहूं की वैरायटी देती है। हरियाली काफ़ी अच्छी आती है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि फुटाप क्षमता भी अच्छी है, पैदावार में भी काफ़ी आगे है। तो GW-513 गेहूं की वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि GW-513 गेहूं की वैरायटी मध्यम अवधि में, कम समय में, कम सिंचाई में अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने उत्तर भारत के लिए गेहूं की लगभग टॉप 8 किस्मों के बारे में बात करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने इससे पहले इन किस्मों को लगाया है या फिर नहीं, कितना तक उत्पादन निकालने में कामयाब रहे, हमारे किसानों के साथ अपना फीडबैक अवश्य साझा कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।